नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं नजर अब तक की सबसे बड़ी खबर। नईगढ़ी पुलिस ने एक माह से फरार हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल एवं एसडीओपी मऊगंज नवीन दुबे के निर्देश में थाना प्रभारी नईगढ़ी जगदीश सिंह ठाकुर के नेतृत्व में हमरा स्टाफ ने हत्या के फरार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। बताया गया कि दिनांक 8 मार्च को फरियादिया श्याम कली साकेत पति श्याम लाल साकेत उम्र 50 वर्ष निवासी छुहिया थाना नईगढ़ी ने उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरा और शिवकांत साकेत का पुराना जमीनी विवाद था। उसी बात को लेकर करीब 12 बजे दिन में शिवाकांत साकेत, विनय साकेत, आशीष साकेत, रोहित साकेत मेरे घर आए और मेरे पति श्यामलाल साकेत घर के बाहर चारपाई में लेटे थे तो चारों ने मिलकर हत्या कर दी। रिपोर्ट पर अपराध धारा 302, 120 बी, 34 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और तीनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया तथा आरोपी विनय साकेत घटना के दिन से फरार चल रहा था, जिसे दिनांक 21 अप्रैल को छुहिया से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इस कार्यवाही में उप निरीक्षक जगदीश सिंह ठाकुर, उप निरीक्षक उपेंद्र नाथ तिवारी, आरक्षक वीरभद्र प्रताप सिंह, आरक्षक मुकेश यादव, आरक्षक शेष मणि रावत ने सराहनीय भूमिका निभाई। सर, आज एक थाने में आरोपी पकड़ाया गया है, सर क्या है मामला? जी हाँ, मार्च महीने में ग्राम छुहिया में हुई एक अधेड़ की मारपीट करने से हत्या के एक फरार आरोपी जो एक महीने से फरार चल रहा था विनय साकेत पिता प्रेमधारी साकेत निवासी छुहिया को आज दिनों में गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है, जहां से उसे जिला न्यायालय निरुद्ध करके जेल भेजा गया है।